नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर हमने अच्छा खासा एक मूव बनते हुए देखा। सबसे पहले कैस्टर की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते में हमने 6.5% से ज्यादा की तेजी कैस्टर में आते हुए देखी फ्रेश बाइंग के तहत। जिस ढंग से मौसम में हमने वापस हेल स्टॉर्म बारिश गुजरात एरियाज में होते हुए देखा, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होते हुए देखा, जिसके वजह से काफी डैमेजेस बताया जा रहा है। वैसे भी क्रॉप साइज अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, जिसका एक सपोर्ट प्राइसेस को मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत पुल बैक वापस देखने मिल सकता है बिकॉज नए अराइवल जनरली हम देखते हैं कि जनवरी एंड या फरवरी मार्च में आते रहते हैं, और साथ में कोविड कंसर्न की वजह से डिमांड इस वक्त पिक नहीं कर पा रही है। बट लॉन्गर टाइम व्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं डिमांड में भी इंप्रूवमेंट रहेगी, क्रॉप भी शॉर्ट है, जो एक अच्छा कैंडिडेट बना देता 2022 के लिए कैस्टर को। तो अगले हफ्ते के लिए फ्रेश बाइंग जिस ढंग से चली है, थोड़ा भी अगर पुल बैक 6150 के करीब मिले लेके चलिए, 6000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है जो 6350 से 6400 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर मसालों की बात करें तो अच्छी लंबी तेजी के बाद हमने हल्दी के अंदर एक सुस्त मूव होते हुए देखा, इनफैक्ट 1% की गिरावट आती हुई देखी। इसको हम टेक्निकल पुल बैक बोल सकते हैं क्योंकि प्राइसेस ने बेताजा अच्छी तेजी हमने दिसंबर मंथ में आती हुई देखी, जिस ढंग से डैमेजेस की रिपोर्ट हुई है। वहीं जीरा और धनिया में भी हमने हाई लेवल से थोड़ा पुलबैक जरूर देखा, बट फिर भी प्राइसेस ने 5.5% की तेजी पिछले हफ्ते में जीरे के अंदर और धनिया में 7.5% की तेजी बनती हुई देखी। पूरे मसाले पैक के अंदर अगले 2-3 महीने की बात करें तो जीरा और धनिया काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो आगे तेजी दिखा सकता है, जहां पे माना जा रहा है कि 21,000 तक का भी लेवल हम जीरे में और धनिया में भी 12,500-13,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट होने की वजह से कहीं ना कहीं पुलबैक की एक्सपेक्टेशन है। अगर सपोर्ट वाइज बात करें तो हल्दी के अंदर 9,500 का सपोर्ट और जबकि 10,600 के ऊपर जाने पे फिर से तेजी स्टार्ट होगी। वहीं जीरे के अंदर भी अगर हम बात करें तो 17,600-17,700 तक का एक पुलबैक मिलता है तो वहां से एक फ्रेश बाइंग वापस करके चलनी चाहिए। वहीं धनी के भी अगर हम बात करें तो करीबन 9,600-9,700 तक का पुलबैक पे ही नई बाइंग की जा सकती है। गवार सीड गवार गम में हमने देखा है कि यूएस के अंदर रिग काउंट बढ़े हैं बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बढ़े, बट ओवरऑल हमें लगता है कि इस हफ्ते में जो तेजी आई है 2.5% की तेजी करीबन गवार सीड में और 5% की तेजी गवार गम में, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्रिएशन करता है गवार कॉम्प्लेक्स के लिए। अगले हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट लेवल इम्पोर्टेंट जज्जर पे है, पुल बैक पे ही लेके चलिए बट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी का एक्सपेक्टेशन मत रखिए गवार सीड गवार गम में। वहीं अगर हम मेंथा की बात करें तो मेंथा में हमने 3.25% की गिरावट देखी है प्राइजेस में, मार्केट में कोई बड़ा बाइंग नहीं आ पा रहा है बट कहीं ना कहीं टेक्निकली 980 का काफी अच्छा सपोर्ट है। 980 के करीब पे आने पे हम बाइंग करके चल सकते हैं जो 1,010 से 1,020 तक का लेवल मिल सकता है। अंत में अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने कॉटन को लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखी है बट कॉटन सीड ऑयल केक में दबाव भी बनता हुआ देखा है। गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है इंपोर्ट्स को ऊपर लेकर या एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर, जिसके चलते मार्केट एक सुस्त रेंज में है बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, जिसके चलते लोअर लेवल्स पे बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। कॉटन के अंदर अगर पुलबैक पे करीबन 34,000 तक का भी लेवल मिल जाए तो अच्छा है अगले हफ्ते के लिए लेने के लिए। 36,000 का लेवल तोड़ने पे 38,000 के भी लेवल हम ओवरऑल देख पाएंगे। वही कॉटन सीड ऑयल केक में नई तेजी के लिए 3420 का लेवल ध्यान रखिए, जब तक 3420 का लेवल नहीं तोड़ता है पॉसिबल हम 3100 तक का एक पुलबैक देख पाएंगे। ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए।